हरक सिंह रावत पर ईडी मेहरबान क्यों? ईडी ने हरक सिंह की पुत्रवधू से नहीं की पूछताछ। बीजेपी से कैसे जोड़ा जा रहा है कनेक्शन? लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई किसी भी नेता के पास जाते हैं, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तब ईडी सीबीआई लौटती दिखती है। क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हुआ है? ये महज एक सवाल है जो कि अब ईडी और बीजेपी पर उठाए जाने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुंसाई से आज यानी 2 अप्रैल को ईडी पूछताछ करने वाली थी, लेकिन अचानक ईडी उन पर मेहरबान हो गई और उनसे पूछताछ करना विड्रॉल कर लिया। इतना ही नहीं, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर अभय कुमार ने ईमेल कर हरक सिंह को इसकी सूचना भी दी। गौरतलब है कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुंसाई ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है। साथ ही इसका एक और एंगल है जो कि हरक सिंह को भी इस मामले से पूरी तरह से जोड़ता दिख रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर हरक सिंह रावत अपनी पार्टी से हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए टिकट की मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। जैसे ही हरक सिंह का टिकट कटा, उनके दर्जनों समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, टिकट कटने के बाद से हरक सिंह अब तक किसी भी कांग्रेसी चुनाव प्रचार में भी नहीं दिखे हैं। हरक सिंह की नाराजगी तो सामने है ही, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इधर ईडी से पूरी तरह से राहत मिलने के बाद उनके बीजेपी में जाने के कयास काफी तेज हो गए हैं। हालांकि अभी हरक सिंह की तरफ से इस तरह के किसी भी बात का ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी ईडी की तरफ से अनुकृति गुंसाई से पूछताछ विड्रॉ करने के बाद अब सबकी नजरें हरक सिंह पर टिक गई हैं। हरक सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के कयास ईडी की तरफ से गुंसाई से पूछताछ नहीं करने से भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने हरक सिंह रावत और उनकी बहू के यहाँ कुछ दिन पहले ही छापेमारी की थी, जिसके बाद हरक सिंह और अनुकृति गुंसाई को ईडी के सामने तलब भी किया गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही हरक सिंह रावत की पुत्रवधु गुंसाई ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बता दें, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले गुंसाई ने कांग्रेस के टिकट पर ही लेंस डाउन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद पुत्रवधु के बाद अब ससुर हरक सिंह रावत का वाकई बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस बात को पुख्ता होने के लिए कुछ वक्त का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।